अरे इनसे तो दूर रखो अपनी बहुओं को। खुद की बहू ने सास को बिगाड़ लिया, अब ये महारानी चली है हमारी बहुओं को बिगाड़ने। पड़ोस में झुंड बनाकर बैठी औरतों में फुसफुसाहट हो रही थी। तभी सीता जी गली से गुजर रही थी, तभी औरतों की फुसफुसाहट की आवाज उनके कानों तक पहुंची। सीता जी मुड़ी, इतने में सब इधर उधर देखने लगे। तभी सीता जी ने उन्हें और खिजाने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, अरे रे मेरी चुगली चर्चा कर रही हो क्या? कर लो, दो चार पाप अगर किए भी होंगे तो वो भी कट जाएंगे मेरे बुराई करने से। फिर सीता जी घर आ गई, आते ही बहू को आवाज लगाई, अनु आ गई क्या कॉलेज से? अनु अपने कमरे से नीचे उतर कर आई, जी माँ जी आ गई, चाय बना दूं क्या आपके लिए? हाँ बना ले बेटा, फिर तरकारी लेने चलेंगे हम दोनों। सुबह तू लंच लेकर जाएगी, कोई सब्जी नहीं बची है फ्रिज में। ठीक है माँ जी। इतने में पड़ोस की चाची जी आ गई। सीता जी ने बहू को आवाज लगाई, बेटा चाची जी के लिए भी चाय बना लेना। चाची जी झुक झुक कर देखने लगी, बहू दिख नहीं रही है। फिर बोली, बहू कर लेती है घर का काम। सीता जी को पसंद नहीं था कि कोई उनके घर की टेले। इतने में झट से बोली, अरे कहाँ बच्ची है, बस पढ़ाई की थी, इतने में शादी हो गई, फिर यहाँ आते ही नौकरी लग गई। चाय तो मैं सुबह ही बना कर रख देती हूँ, बस गर्म करके ले आएगी। चाची जी हैरान हुई, हाय हाय ना जी रहने दो, फिर कभी पीऊंगी आपके घर की चाय, चलती हूँ, बच्चों के पापा घर आ गए होंगे। अरे रुको रुको, काम तो बताती जाओ, क्यों आई थी? भूल गई जीजी, बाद में आऊंगी। अरे माँ जी चाची जी कहाँ गई? अरे कुछ नहीं, बस मसाला मांगने आई थी, नहीं मिला तो चली गई। मसाला? अरे दे देती माँ जी, उन्हें खाना बनाना होगा तभी तो मांगने आई होंगी। सीता जी हंस पड़ी, अनु समझ गई, अच्छा चुगली चर्चा वाला मसाला लेने आई थी चाची जी। जब से अनु की नौकरी लगी थी, गली पड़ोस की सभी औरतों को उसका यूं जींस टॉप पहनकर बाहर जाना बड़ा ही अखर रहा था। नई बहू शादी को 4 महीने नहीं हुए, ना बिंदी ना चूड़ी ना बुचे ना पाजेब, इसको देखकर हमारी बहुएं भी बिगड़ जाएंगी। सीता जी की सास को कोई कुछ कहने आता तो वो खुद उनका ही मजाक बनाकर निपटा देती थी। गणपति महोत्सव आया, गली के सब लोगों ने चंदा इकट्ठा करके गणपति जी की स्थापना की। सुबह शाम आरती वंदना होती, दोपहर में भजन कीर्तन। भजन कीर्तन में सब औरतों का जमावड़ा लगा हुआ था। रविवार का दिन कीर्तन सीता जी ने करवाया, क्योंकि उस दिन अनु की छुट्टी भी थी। सबकी नजरें ये देख रही थी कि सीता जी की नई बहू आज भी जींस में आएगी नीचे। अकेले अकेले लोगों को तो सीता जी भगा देती थी, आज क्या बोलेंगी। इतने में सीता जी और उनकी बहू दोनों सूट पहनकर नीचे आईं और चाय देने लगी सबको, तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। औरतों में खूब फुसफुसाहट हुई, लो बहू ने सास भी बिगाड़ दी। अगले दिन प्रसाद वितरण के वक्त अनु और सीता जी ने पड़ोस की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को पहले बुलाया और खाना खिलाया। चाची जी की बहू ने अनु से कहा, अच्छा किया अनु, वरना ये बच्चे बेचारे त्योहार पर भी मुंह लटकाए रहते। लोग बच्चा कुछा इनके घर दे आते हैं, कोई इंसानियत से नहीं खिलाता। मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है, अनु ने कहा। इतने में चाची जी ने अपनी बहू की तरफ आंखें निकालते हुए बहू को अनु से दूर खड़े होने का इशारा किया। सीता जी ने देख लिया और कहा, अरे बहू रहने दो, हम तो सास बहू बदमाश हैं, तुम्हें भी बिगाड़ देंगे, जाओ अपनी सासू माँ के साथ बैठो। चाची जी ना कुछ कह पा रही थी ना चुप रह पा रही थी, अपनी बहू को लेकर चली गई पंडाल से। गणपति विसर्जन बड़ी धूमधाम से हुआ, अनु और सीता जी ने साथ में डांस किया। उनको देख गली की और बहुएं भी नाचने लगी। इतने में पड़ोस की ताई जी ने सीता जी से कहा, ये क्या कर रही है सीता, घर की बहुएं सड़क पर नाचती अच्छी लगती है क्या? झट से जवाब दिया, जी जी बुरा मत मानना, पर ये बताओ तुम और मैं यहाँ पैदा हुई थी क्या? हम भी बहुएं हैं, क्या हुआ हमारी बहुओं ने भी अपने मन की कर ली तो? ताई जी तुम ठीक नहीं कर रही हो, तुम अपनी बहू को बिगाड़ो, हमारी बहुओं को बख्श दो, बहू की तनख्वाह ने तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर डाल दिए हैं। सीता जी को गुस्सा आया, उन्होंने झट से बोला, अगर मैं अपनी बहू को कैद करके रखूं तब भी तुम जैसी घर तुड़वाने वाली बहू की प्यारी बनकर हमारे घर क्लेश करवा देती हो, अभी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जाओ ले जाओ अपनी बहुओं को, लाज शर्म तो है ही नहीं, सास नंबरी बहू 10 नंबरी।
हाँ मैं हूँ नम्री, तुम्हारी तरह भेड़ बकरियों की जिंदगी नहीं जीती, न अपनी बहू को जीने दूंगी। हम किसी गिनती में तो आते हैं, तुम अपनी फिक्र करो। सीता जी की हाजिर जवाब ने फिर से सबके मुंह पर ताला लगा दिया। दोनों सास बहुओं को देखकर बाकी बहुओं ने भी कुछ पल के लिए अपनी भेड़ बकरी वाली जिंदगी को भुलाकर खूब डांस किया। सास बहू का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ आपसी समझ के कारण ही खराब होता है, और आपसी समझ के कारण ही अच्छा। सास ही बहू को रिवाज विरासत के रूप में देती है, जो रिवाज किसी को आगे बढ़ने से रोक दे, उन रिवाज को बदलना ही सही होता है।